अब जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का सारे। मोर मुकुट सिर धार के और नाचत नंद किशोर, नाग न थैया बंसी को बजैया ने ते खावे माखन। काम रहित तन मयूरी को मुरली धर के मन भायो है, मोर पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताज बनाया है। सजनों एक छोटा सा प्रसंग भक्तमाल से हम आपको सुनाते हैं। एक भगत जी अंबे मैया की सेवा पूजा करते थे। बहुत समय बीत गया, माँ अंबे जगदम्बे की कृपा से उस भगत जी के घर में एक बेटी का जन्म होता है। सज्जनों वो बेटी भी भगत जी के साथ में जाकर के अंबे मैया की दिन रात सेवा करती है। धीरे धीरे वो कन्या शादी के योग्य हो जाती है। एक दिन देवी मैया के मंदिर में बैठ करके मैया के भजन कर रही थी, उसी समय एक युवक धर्मवीर घूमता घूमता मैया के मंदिर में पहुंच गया। जाकर उस कन्या के रूप को देखा तो रूप को देख करके मोहित हो गया। उधर का वो कन्या अपना भजन पूजन करके वापस अपने घर को चली जाती है और वो धर्मवीर मैया के मंदिर में पहुंच गया। मैया के चरणों में प्रणाम करके मैया से कहने लगा कि हे दुर्गे मैया, हे अम्बे मैया, तेरे चरणों की सत्य सौगंध खाकर मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कन्या के साथ में अगर मेरा विवाह हो जाए तो शादी होने के बाद में, फेरा पड़ने के बाद में, मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। जय हो। सजना कुछ समय के बाद में वो भगत जी अपनी बेटी का रिश्ता देव योग से उसी धर्मवीर के यहाँ कर देते हैं। तो किस प्रकार से वो धर्मवीर दूल्हे बन करके आता है, कैसे अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करता है। और इसी कथा में हमें सुनने को मिलेगा कि भगवान कन्हैया का राधा के साथ में रिश्ता क्या है। भगवान गोविंद, भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर हमेशा मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं, मोर मोरनी का जन्म कैसे होता है और मोर क्यों जीवन भर ब्रह्मचारी धर्म का पालन करता है। तो सज्जनों किस प्रकार से वो धर्मवीर घूमता घूमता मैया के मंदिर में आता है और उस कन्या के रूप को देख करके मोहित तो हो जाता है, क्या विचार करता है। हेलो, काम रहित तन मयूरी को मुरली धर के मन भायो है, भैया मोर पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताजे। तो धर्मवीर क्या सोचने लगा रहे, बीच में रुक जाना कि आप हेलो हर काम दे रात पटा अब कर समो ने घायल तू सहज सहज पा धर ले मेरो दिल धड़का वे पायल वो अब पल 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 नागिन से लहराव से तेरे रूप का जब पानी में आग लगावे से कांदे पे हरा दुपट्टा अब करे से मोने घायल तू सहज सहज पाथर ले मेरो दिल धड़का में पायल रात चैन ना पावे अब ना सो
जय गीता का नाम रहे जय जय
उधर को भगत जी अपनी बेटी का रिश्ता उसी धर्मवीर के यहाँ कर देते हैं। समान पर धर्मवीर दूल्हा बनकर के पहुंच जाता है और उसी कन्या के साथ में सात भवनियां ले लेता है। बिना उधर को जब भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं तो दूल्हा और दुल्हन जिस रथ बैले में सवार होते हैं, दुल्हन जब रोते रोते अपने भाई के गले लगती है तो दुल्हन का भाई अपनी बहन को विदा करने के लिए उसी रथ बैले में सवार हो जाता है जिसमें दूल्हा और दुल्हन थे। भाई कहने लगा, रे फायदा रोवा मत, मैं तुझे गांव के कांगड़ तक विदा कर जाता हूँ। और दूल्हा दुल्हन के साथ में दुल्हन का भाई भी रथ बैले में सवार होकर के उनके साथ में चला देता है। प्यारे सज्जनों, दूल्हा और दुल्हन का जब रथ बैली देवी मैया के मंदिर के आगे से गुजरती है तो उसी से मांबे मैया की ऐसी कृपा होती है कि पवन का एक जोरदार झोंका चलता है और उस पवन के जोरदार झोंके से दुल्हन का घूंघट का पट खुल जाता है। और जो ही दुल्हन की सूरत को उस दूल्हे ने देखा तो देखते ही अपने वचन की याद आ गई। अपने मन में सोचने लगा कि ये वही कन्या है, वही लड़की है जिसकी मैं संत प्रतिज्ञा मैया के मंदिर में करके गया था। इसके साथ में मेरा विवाह संपन्न हो गया। अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। सज्जनों, धर्मवीर दुल्हन और उसके भाई से कहने लगा, रे तुम दोनों भाई बहन इसी मंदिर इसी रथवेल में मेरा इंतजार करो, मैं मैया के मंदिर में अभी दर्शन करके वापिस आता हूँ। प्यारे सज्जनों, वहाँ धर्मवीर दूल्हे मैया के मंदिर में पहुंच गया, मैया के चरणों में प्रणाम किया, मैया से कहने लगा कि हे अम्मे मैया, तूने मेरे वचन की याद रख ली लेकिन मैं भी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और प्यारे सज्जनों, उस दुल्हन ने अपने हाथों में कटार लेकर के अपने हाथों से अपने शीश को काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। जय हो। जब एक पहर बीत गई, अरे दो पहर बीत गई, दूल्हे लौट करके नहीं आयो, दुल्हन के मन में चिंता होने लगी। अपने भाई से कहने लगी, रे भाई तू जाकर देख तेरो जीजा क्यों नहीं आयो। तो अपनी बहन के कहने से और दुल्हन का भाई जब देवी के मंदिर में पहुंचता है तो जाकर देखा, रे मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है। प्यारे सज्जनों, वो दुल्हन का भाई भी अपने मन में घबरा जाता है, सोचने लगा, रे भगवान अब मैं बहना से जाकर के क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा, दुनिया भी मुझ पर लांछन लगा देगी कि पता नहीं इसने अपने जीजा को क्यों मार दिया। दो बात आगे और पीछे की सोच करके वो दुल्हन का भाई भी उसी कटार को अपने हाथों में लेकर के उसी कटार से अपने शीश को काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर देता है। जय हो। प्यारे सज्जनों, तीन पहर बीत गई और जब चार पहर बीत गई और दुल्हन को भाई भी लौट करके नहीं आयो तो दुल्हन के मन में फिर चिंता होने लगी, सोचने लगी, रे भगवान ऐसी का बात हो गई, पहले मेरे पति देव गए वो भी लौट कर नहीं आयो और बाद में मेरा माँ आयो भैया गयो वो भी लौट कर नहीं आयो। तो अंत हार करके वो दुल्हन भी उसी देवी के मंदिर में पहुंच गई। प्यारे सज्जनों, देवी मैया के मंदिर में जाकर देखा तो दुल्हन धरण पचाड़ खाकर के मैया के चरणों में गिर गई, रोते रोते प्रार्थना करने लगी, रे मैया मैंने तो बालापन से तेरे चरणों का ध्यान किया है लेकिन मैया आज मुझे तूने घर की छोड़ा न घाट की, हे मैया मेरे पति ने भी तेरे चरणों में अपने शीश का अर्पण कर दिया, अरे मेरे भाई ने भी अपने शीश को तेरे चरणों में अर्पण कर दिया, मैया मैं पहली बार ससुराल जाऊंगी लेकिन किसके साथ जाऊं, अरे मेरे पीहर में भी जाऊं तो कैसे, मेरा भैया भी यही मरा पड़ा है। तो सज्जनों, किस प्रकार से वो दुल्हन करुण विलाप करती है, क्या कथा बनती है, आप हमारे कीर्तन के माध्यम से सुने। सुना भैया। हेलो
अब सूरज पश्चिम से उगे और दिन हो जाए रात, सत्य वचन मत छोड़िया यार कमान करियो। अब राजा जोगी अग्नि जल की उलटी जग में रीत है, और हाथन काट शीश कमर का मन में सांची। तो उधर को भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं, तो क्या कहते हैं रे? क्या कहते हैं भैया सुनवाइयो। अरे पापुल के दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, अरे पाहों में पली ससुराल चली जा तुझको पिया का प्यार मिले। पापुल के दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार ससुराल चले जा तुझको पिया का प्यार मिले। प्यार प्यार मिले 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 तुझको 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 चले जा देख दूले मंदिर में आयो रे, अपना तन काट से जाए चढ़ायो रे। अरे लागे कहने लगी भैया रे तुम मंदिर में जाओ रे, कारण से तेरो जे जाना के यहाँ नहीं आया रे। लागे कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, कारण से तेरो जे जाना के यहाँ नहीं आया रे। अरे लागे कहने लगी भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, कारण से तेरो जे जाना के यहाँ नहीं आया रे। अरे मन सा पाप लगत में जागे पर नहीं सोच विचार।
हर करे न पलकी पैर उठा लिया तन में तलवार अपनो शीश काट रख दिया अम्बे का चरण में अरे पीजा सारा दोनों कटिल के भाई कर मन में अरे मौसम में बापा नहीं आए क्या करनी है तेरे विदाता लाडी घबराए हमें लाडी घबराए दिल में दिल तारे सताए अंधेरे तन दये दुलकने देवी का मंदिर में जाए देखे हाल के आनवो गए कितना दये दुलन कहाए मैं नम से मेरे जल धारा हाय हाय भारी लकराई ये मैया क्यों बन गई मेरे तक दया ना दिल में आए कैसे देर करो मेरे मैया मैया डूब गई मन धारे भैया को शेष देते एक सैया को रे निहार धर्म पिछाड़ा खा रहे लाडू रहे रोजी में बेसार जैसे जीव बिनाए काया वैसे पते बिना संसार वैसे जीव बिनाए काया सोने बाद पिया दिन पीती है मैं ते आतम के ते अर सोनो बात बिना सुमीरा के सावर के इसे प्राण कदों में भैया कैया डोल गए अरे शेष भगवाने प्रकट भये डोगे भैया भैया डोग गई अरे खिलाड़ी तारे कटारी शेष भगवाने प्रकट भये अरे सोने माल पिया बिन भीखी है मैं पिया तन के फिर सोनो बात बिना सुमीरा के सामने के इस प्राण कजोगे भैया भैया डोल गए अरे शेष भवाने प्रकट भये कान कजोगे भैया भैया डोग गई अरे खिलाड़ी न तारे कटारी शेष भवाने प्रकट भये भैया उधर को दूल्हे और उसके भाई का इंतजार करते करते वो दुल्हन भी देवी मैया के मंदिर में पहुंच गई। जाकर देखती है धरण पछाड़ खाकर के मैया के चरणों में गिर जाती है। रोते रोते मैया से विनती करने लगी विलाप करने लगी कहने लगी रे मैया हे अपने मैया बालापन से तेरे चरणों का ध्यान किया है लेकिन आज मैया मुझे तूने घर की छुड़ाना घाट की। हे मैया पीहर भी कैसे जाऊं अरे मेरे भाई ने तो अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर रखा है। ससुराल कैसे जाऊं मेरे पति ने भी तो अपना शीश काट करके तेरे चरणों में चढ़ा रखा है। प्यारे सजनों वो दुल्हन रोते रोते मैया से करुणाकार करती है और उसी कटार को हाथ में लेकर के ज्यों ही अपना शीश काटने को तैयार होती है तो अम्बे मैया प्रकट होकर के दुल्हन के हाथ को पकड़ लेती है। मैया कहने लगी रे बेटी तूने बहुत सच्चे मन से और बालापन से मेरे चरणों का ध्यान किया है चल अब मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ कोई वरदान मांग ले करके निकाल दूंगी लेकिन मैया मेरी गोद सुनी रह गई मेरा आंचल तो सुना रह गया। मैया कहने लगी बेटी तेरी बात तो सत्य है तो अम्बे मैया उस दुल्हन को प्रदान देती है कि बेटी आज के बाद में तुम अपने पति के साथ में इस संसार में मोर और मोरनी के रूप में जन्म पाओगी। अरे तुम जीवन भर ब्रह्मचारी धर्म का पालन करोगे द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जन्म नहीं जब अवतार होगा तो मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण करके तुम्हारी महिमा को तीन लोक में अजर और अमर कर देंगे। तो प्यारे सज्जनों कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है कहते हैं कि मोर और मोरनी जीवन भर ब्रह्मचारी धर्म का पालन करते हैं और मोर की आंखों से गिरे हुए आंसुओं को जब मोर में ग्रहण करती है तो गर्भवती हो जाती है। सब पंचों करो विचार अरे डूब गई नाव किनारे पर लाडू ने करी अरे मिटे नाले गई लाड़ी कर सब पंचों करो विचार डूब गई नाव किनारे पर लाडू ने करी कुतारे गली लाड़ी कर सब पंचों
तो जग के पालन यार मात दर के भैया अपनों का तो से मात तेरा दर पे पर वे को तैयार पटारी ले दर पे पकड़ लियो जवे आज गए हमने राने अब सर जीवन कर जवो देर दर ले जाने संसा बर जाओ आज मात वर मन जायो फिर दिन दो हो जा पति संग मात हो जायो हर बात समझावे तेर बनावे आजा लागे सो हर मौसम जावे देर बतावे राजा लाडे सोती में हसले गाले मन मुस काले शीशे उठाए ले गोदी में भोले गए तन के वरदान मिलो मन चायो रे करे नपल की देर से सलाम को मुंह दौतायो रे जामन जाया भाई का मन तन पे जाए लगायो रे करिया तेरा फेरे हो ना राम से धोरी से सब खेल भैया का लगा दिया खेल सैया का पति का शीश भाई के नाक को है बनोई तेर जामन जाया का अरे से फेरे भैया भैया डूबे रानी लिखती रख घर ले जाए अरे मेल बता जाओ आतंक से कोई मिल जाए बल महदारी मैं भी पिता हर लो सारी सारी मानो तुम बात हमारी इच्छा पूर्ण हो सारी लाज रखे तो तेरे वो कैसी लगी बिगल की आशा जैसे वो सावन में प्यासा प्यासा कर दो तेरा घर बासा छोटो समय आज निराशा कर दो तेरी तेरी आते माँ वो बरदा जीवन भर तो कर ले सेवा तेरो यही श्रेष्ठ पद देवा काम वासना मिटे तुम्हारी जीवन भर रहेंगे ब्रह्मचारी और ना रहे काम को वास काम तो है चरणन को दास रूप अब मोर मोर को पालो जन्म जन्म तक तन मन कालो हर पूर्ण मोर नी बन गए दोनों अम्बे के बाणी से भय मोर दिग गर्भ मोर की आगन का पानी मोर नी सर्व मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी।